Hello and welcome back to my YouTube channel PC Liner. In this video, we are going to talk about the Dell XP15 and XP17 2020 model. इस साल के दो Dell के जो XPS सीरीज की दो मॉडल आए हैं 15 और 17 इंच, Dell XPS 15 9500 एंड 9700. दोनों की जो प्राइस की बात करें तो $1300 और $1500 की प्राइस है. दोनों ही 1 लाख और 1 लाख से ऊपर के दोनों प्राइस से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लैपटॉप है. इंडिया में इसकी अवेलेबिलिटी अभी नहीं है और अभी जो ये लैपटॉप अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ कनाडा और यूएस में ही अवेलेबल है. इस हफ्ते के बाद या फिर लॉकडाउन के बाद शायद हमें इंडिया में ये रिवील हो जाएगा कि ये कब तक लॉन्च होने वाला है. 15 इंच की बात करें तो ये 15 इंच वाले लैपटॉप की बात करें तो 15.6 इंच इन्फिनिटी एच डिस्प्ले है इसकी, 16:10 एस्पेक्ट रेशियो है और आपको दो ऑप्शन मिलते हैं डिस्प्ले की, 4K अल्ट्रा एचडी या फिर फुल एचडी 1920x1080. ठीक है, और बात करें इसकी प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड की तो प्रोसेसर जो आता है वो i5 10th जनरेशन का प्रोसेसर आता है. ठीक है, और NVIDIA GTX 1650 Ti ग्राफिक्स कार्ड आती है और 32GB की रैम है इसके अंदर. अगर आपको 1 लाख से ऊपर अगर कोई लैपटॉप लेना है तो आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं. बारे में भी इसलिए बोला क्योंकि इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं. इस साल हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं. Asus का G14 भी आया है इस साल, आने वाला है, आया नहीं है. और मैंने इस चैनल अपने चैनल पे एक वीडियो हालांकि इसके बारे में बना चुका हूँ. ठीक है, इस साल हमें बहुत ही अच्छे अच्छे लैपटॉप देखने को मिलते हैं और काफ़ी अफोर्डेबल है. ठीक है, थोड़ा सा प्राइस ऊपर है तो वो थोड़ा बहुत तो चलेगा. देखो ऐसा तो है नहीं कि अब बिल्कुल ही कम. ठीक है, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो मेरे हिसाब से तो आपको 1 लाख तक नहीं जाना चाहिए. आपको एक 50 या 60,000 के अंदर कोई भी एक एसर का स्विफ्ट 3 या फिर या कोई भी एक मॉडल है या नाइट्रो 5 भी ले सकते हैं आप. इतना रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि नाइट्रो 5 बहुत ही ज़्यादा हैवी है. ठीक है, आप कोई भी एक लाइट वेट और ज़्यादा बैटरी की ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से अपना लैपटॉप चूज कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी क्या है, डेल ने बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया. उन्होंने जो स्टोरेज है 1TB PCIe 3 SSD स्टोरेज दी है और जो मेजर अपग्रेड आपको देखने को मिलेगा लैपटॉप के अंदर कि उन्होंने एक नया स्पीकर ऑफर कर रहे हैं. ठीक है, इनबिल्ट लैपटॉप के अंदर होगा, ऑब्वियस ही बात है. बाहर से कोई एक्स्ट्रा 3.5mm का हेडफोन जैक है, 56Wh की बैटरी है विद नॉन टच वर्जन एंड 86Wh की बैटरी है विद टच स्क्रीन मॉडल. ठीक है, वेट की बात करें तो 2.05 किलोग्राम का वेट है इसका. ठीक है, डेल XPS 17 9700 की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सब बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है, कुछ ही सिमिलरिटीज़ है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, कुछ ही सिमिलरिटी है. सबसे पहले तो डिफरेंस की बात कर लें क्योंकि ऑब्वियसली बात है डिफरेंस ही जानना हमें. 17 इंच की इन्फिनिटी एच डिस्प्ले है, 4K अल्ट्रा एच डी एंड फुल एच डी दो नॉन टच ऑप्शन मिलते हैं आपको. ठीक है, जो 4K अल्ट्रा एच डी वो है वो टच स्क्रीन के साथ आएगा और जो फुल एच डी वाला है वो नॉन टच ऑप्शन है आपके पास. ठीक है, 64GB ऑफ DDR4 SDRAM मिलती है, 2TB की PCIe 3 SSD स्टोरेज मिलता है, HDMI 2.2 का अडेप्टर भी मिलेगा इसके साथ आपको. ठीक है, 96Wh की बैटरी है और जो इसका वेट है वो 2.5kg का है. ठीक है, कुछ और एक्स्ट्रा बात करें तो इसका है कि कंपनी ये क्लेम करती है कि जो ये जो 17 इंच वाला जो लैपटॉप है वो स्मॉलेस्ट 17 इंच लैपटॉप है और जो 15 इंच वाला जो मॉडल है वो 50% स्मॉलर है बाकी सारे 15 इंच वाले मॉडल से. इसके तो इस बात को लेके हम एक अलग से एक नई वीडियो बनाएंगे और इसमें 15 इंच और 17 इंच वाले वो सारे लैपटॉप को कंपेयर करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या ये बात सच है. ठीक है, क्योंकि अगर ये बोलते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट 17 इंच लैपटॉप है तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सच भी होना चाहिए. ठीक है, और स्पेक्ट रेशो की बात करें तो इसमें इन्होंने डिस्प्ले में चेंजेस किए, इन्होंने 16:9 से 16:10 कर दिया इन्होंने डिस्प्ले को. ठीक है, और एक और बात कि इस लैपटॉप में आपको एक नया थर्मल डिजाइन देखने को मिलेगा. कंपनी ये बोलती है कि इन्होंने इसमें एक कस्टम वेपर चैम्बर बनाया है इन जो थर्मल जो भी है टेम्परेचर को कम करने के लिए जो भी इसके अंदर आपको एयर फ्लो दिखेगा वो एक नए डिजाइन में इन्होंने बनाया है कि दो ड्यूल फैन लगाए हैं और कस्टम वेपर चैम्बर बनाया है अलग एक CPU और GPU के लिए. ठीक है, और ये भी लैपटॉप आपको उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है. यानी ऐसा मानो कि डेस्कटॉप से सीधा मतलब पोर्टेबल डिवाइस में शिफ्ट हो रहा है सब के सब. लेकिन बात करूँ डेस्कटॉप की तो डेस्कटॉप का ही अलग मजा है. अगर आप PC को बिल्ड करके और अपने हाथ से चलाना चाहते हैं तो अगर आप 1 लाख के ऊपर जाते हैं तो मेरे हिसाब से आपको PC बिल्ड ही करना चाहिए. ठीक है, क्योंकि मैं इसके दोनों के बीच में डिफरेंस देख चुका हूँ और डिफरेंस काफ़ी हद तक आपको देखने को मिलता है. ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको इसके ऊपर ही आना चाहिए और ऊपर इन द सेंस कि आपको एक PC बिल्ड करना चाहिए अगर आपको इतना बजट है. अगर आप एक ऑफिस में वर्क करते हैं या फिर आपको
कॉलेज जाना होता तो उसके लिए आप एक लैपटॉप खरीदे वो नॉर्मल खरीदे, लेकिन अगर आप एक दो सेटअप हैंडल कर सकते हैं तो आपको एक डेस्कटॉप रखना चाहिए और एक पीसी अलग से रखना चाहिए, पीसी ना लैपटॉप। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।